नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 2 अगस्त सोमवार शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान के भरतपुर से बीजेपी सांसद रंजीता कोहली को जान से मारने की धमकी मिली है। धमकी देने वाले युवक ने अपना नाम महेंद्र बताया है। आरोपी ने इस बार गोली चलाने की बात कही है। पूर्व में भी रंजीता कोहली पर हमला हो चुका है। इस बारे में सांसद रंजीता कोहली ने कहा कि आज मेरे ऑफिस में एक फ़ोन आया था। फ़ोन पर बात करने पर सामने से एक व्यक्ति ने बोलते हुए कहा कि पहले भी मैंने आपकी गाड़ी पर हमला किया था और अब नहीं मानेगी तो मैं आप पर गोली चलाऊंगा। सांसद ने कहा कि इस तरह से धमकियों से मैं कभी डरने वाली नहीं हूँ। उन्होंने कहा कि मैंने लोकसभा में खनन से जुड़े काफ़ी मुद्दे उठाए हैं, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि ये कौन लोग हैं, क्यों मेरे पीछे पड़े हुए हैं। यूपी के बिजनौर में हैरान करने वाला मामला सामने आया है। ससुराल आए शख्स की पत्नी ने जब साथ चलने से मना किया तो उसने 8 महीने की मासूम पर अपना गुस्सा उतार दिया। बेटी को पत्नी की गोद से छीनने के बाद जमीन पर जोर से पटक दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। बच्ची को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार बिजनौर मंडावली के रहने वाले नाजिम की शादी गाँव राहतपुर निवासी मेहताब के साथ 1.5 वर्ष पूरा हुई थी। हाल ही में पति की शराब की लत की वजह से मेहताब ने घर छोड़ दिया और मायके आ गई। नाजिम पत्नी को घर ले जाने के लिए ससुराल आया था। बारां जिले के शाहबाद कस्बे में एक दिन के अंतराल में दूसरी बार भारी बारिश हुई। इससे वहां बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। आज दूसरे दिन भी 10 इंच से ज़्यादा बारिश दर्ज हुई। पहले शनिवार को यहां 1 फुट तक पानी बरसा था। भारी बारिश से कई इलाके जलमग्न हो गए, खेतों में 1-1 फीट तक पानी भर गया। मध्य प्रदेश और राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र में हुई तेज बारिश के कारण पार्वती चंबल ओवरफ्लो हो गई। चंबल पार्वती नदियों का लेवल बढ़ने से इन पर बने बांधों से पानी छोड़ना शुरू कर दिया है। कोटा बैराज से इस साल मानसून में आज पहली बार 2 गेट खोलकर 5000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। भरतपुर में अंगाई पार्वती बांध के 20 गेट 4 फुट ऊंचाई से खोलकर पूरी क्षमता के साथ पानी की निकासी की जा रही है। मौसम विभाग से मिली रिपोर्ट के मुताबिक सोमवार को सबसे ज़्यादा 12 के शाहबाद में 240 mm बारिश दर्ज हुई। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE का 10वीं कक्षा का रिजल्ट आज यानी सोमवार को जारी नहीं हुआ। बोर्ड के अधिकारियों ने इस बात की पुष्टि कर दी है। इससे पहले कयास लगाए जा रहे थे कि बोर्ड आज सोमवार को 10वीं का रिजल्ट जारी करेगा। बोर्ड के एक अधिकारी का कहना है कि 10वीं का रिजल्ट आज जारी नहीं होगा। इससे पहले CBSE की परीक्षा नियंत्रक संयम भारद्वाज ने पिछले हफ्ते 12वीं के परिणाम घोषित होने के बाद कहा था कि आज से ही 10वीं के परिणाम पर काम करना शुरू करेंगे और अगले सप्ताह तक इसे देने की कोशिश करेंगे। हालांकि उन्होंने 10वीं के परिणाम घोषित करने की तारीख और समय की पुष्टि नहीं की थी। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB ने बच्चों की आत्महत्या से जुड़े आंकड़े हाल ही में संसद में पेश किए। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 14 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के 24,568 बच्चों ने साल 2017 से 19 के बीच आत्महत्या कर ली, जिसमें से परीक्षा में असफल होने के कारण 4,000 से अधिक आत्महत्या से जुड़े मामले सामने आए। NCRB के मुताबिक आत्महत्या के इन मामलों में 13,325 लड़कियों की मौत हुई। NCRB के समेकित डाटा में यह बताया गया कि साल 2017 में 14 से 18 वर्ष की आयु के 8,029 बच्चों ने आत्महत्या की, वहीं 2018 में यह संख्या बढ़कर 8,162 हो गई और फिर 2019 में यह आंकड़ा बढ़कर 8,370 हो गया। आंकड़ों के मुताबिक 4,046 बच्चों की आत्महत्या के पीछे परीक्षा में फेल होना बताया गया, जबकि 411 लड़कियों समेत 639 बच्चों की आत्महत्या के पीछे शादी से जुड़े मामलों को बताया गया। इसके अलावा 3,315 बच्चों ने प्रेम प्रसंग से जुड़े कारणों से आत्महत्या की, जबकि 2,567 बच्चों की आत्महत्या के पीछे बीमारी को कारण बताया गया। 81 बच्चों की आत्महत्या का कारण शारीरिक शोषण रहा। भारतीय महिला हॉकी टीम ने यादगार प्रदर्शन करते हुए पहली बार ओलंपिक के सेमीफाइनल में जगह बना ली। आज सोमवार को खेले गए चार्टर फाइनल में भारत ने वर्ल्ड नंबर 4 ऑस्ट्रेलिया को 1-0 से मात दी। जीत की नायिका गोलकीपर सविता पूनिया रही, जिन्होंने कुल 9 बेहतरीन बचाव किए। वहीं भारत के लिए एकमात्र और निर्णायक गोल गुरजीत कौर ने 22वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर पर किया। अब सेमीफाइनल में भारत का सामना 4 अगस्त को अर्जेंटीना से होगा, जिससे जर्मनी को 3-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई है। भारतीय पुरुष टीम पहले ही सेमीफाइनल में जगह बना चुकी है।
पंजाब के पटियाला शहर के बस स्टैंड के पिछली तरफ बने एक होटल में पुलिस ने रेड मारकर जिस्म फरोशी के अड्डे का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 4 महिलाओं सहित 8 व्यक्तियों को आपत्तिजनक हालत में पकड़ा है। यह रेड थाना सिविल लाइन के SHO गुरप्रीत सिंह भिंडर और थाना लाहौरी गेट के SHO माहिल सिंह की तरफ से संयुक्त तौर पर की गई। पुलिस ने बताया कि मामले में पुलिस ने शुभम, हिम्मत सिंह, अनूप और अमरजीत सिंह और उनकी महिला साथियों सहित कुल 10 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। इनमें 3 युवतियां और एक 40 वर्षीय महिला भी शामिल है, जबकि बाकियों की उम्र 20 से 25 साल के बीच थी। इसके अलावा होटल के मालिक वकील सिंह उर्फ राजू और मैनेजर के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने 22 हफ्ते के गर्भ को गिराने की अनुमति दी है। मिली जानकारी के अनुसार कोर्ट ने यह अनुमति एम्स द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति द्वारा प्रस्तुत एक रिपोर्ट के आधार पर दी। अनेकों संक्रमण से युक्त गर्भ गिराने के लिए महिला ने कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता की ओर से एडवोकेट स्नेहा मुखर्जी पेश हुई थी। जस्टिस रेखापल्ली की बेंच ने सुनवाई के बाद आदेश दिए। राजधानी जयपुर के कानोता थाना इलाके में स्थित रिको क्षेत्र में एक प्रिंटिंग प्रेस की मशीन में फंसकर मजदूर की मौत हो गई और उसके बाद बवाल हो गया। मजदूर की मौत के बाद फैक्ट्री संचालक वहां से भाग छूटे। पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अस्पताल भिजवाया। अस्पताल के बाहर भी हंगामा हो गया और पुलिस को भारी जाप्ता लगाना पड़ा। पुलिस ने बताया कि मजदूर बाबूलाल शर्मा फैक्ट्री में काफी समय से काम कर रहा था। उसका काम लोड अंडर लोड करने का था। मशीन पर प्रिंटिंग से संबंधित काम के बारे में उसे जानकारी नहीं थी। आरोप है कि फैक्ट्री संचालक और सुपरवाइजर ने मशीन का काम नहीं जानने के बावजूद उसे जबरन मशीन के काम पर लगाया और इस दौरान मशीन में फंसकर बाबूलाल की दर्दनाक मौत हो गई। पंजाब के पटियाला जिले के समाना शहर में सदर पुलिस अधीन पड़ते गांव गुरदयालपुरा में 1.5 साल पहले शादी के बंधन में बंधी 3 महीनों के 2 जुड़वा बच्चों की मां की तरफ से संदिग्ध हालत में फंदा लगाकर आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने बताया कि मृतका 23 वर्षीय निर्मल कौर के पिता लखा सिंह निवासी हरियाणा ने बताया कि उन्होंने अपनी बेटी का विवाह 1.5 साल पहले गांव गुरदयालपुरा निवासी हरदीप सिंह के साथ किया था, जो उनका प्रेम विवाह था। 3 महीने पहले उनके घर जुड़वा बच्चों ने जन्म लिया। हरदीप सिंह शराब पीने का आदि था और बीमार भी रहता था, इस कारण अक्सर वह परेशान रहती थी। पति की हरकतों से परेशान बेटी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए।